हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। आज हम जा रहे हैं महिंद्रा की फर्स्ट सर्विस कराने के लिए। तो इस सर्विस में क्या क्या काम करते हैं, कितने की पड़ती है, सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपने महिंद्रा के माइलेज वाला वीडियो नहीं देखा, जो एक्चुअल हमने टैंक टू टैंक वाला माइलेज कैलकुलेट किया था, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार चैनल पे जाके जरूर देखें। उसमें कितना एवरेज आया वो एक्चुअल था, और जो जीटी रोड है उस पे हमने इस गाड़ी को चलाया था, वहां पे किया था। और इसके बाद जो वीडियो आएंगे उसमें एक वीडियो हम बनाने वाले यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, टैंक टू टैंक इसको फुल करेंगे और वहां पर करेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो में हम आपको महिंद्रा की फर्स्ट सर्विस की डिटेल देने वाले हैं कि इसमें हम क्या क्या काम कराएंगे, कितना पैसा लगेगा और क्या क्या ये लोग करते हैं। और हाँ, वन मोर थिंग, अभी हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था महिंद्रा की 7D मैट, जो कि आज हम सर्विस के बाद वहीं पे डलवाएंगे, शोरूम में डलवाएंगे। ऑनलाइन अगर हम मंगाते तो सस्ती पड़ती है, मैट मैंने मंगवा ली थी ऑनलाइन, और उसके बाद महिंद्रा के शोरूम में सर्विस कराने के बाद उनसे डलवा लूंगा। उसके साथ ही मैंने एक मंगवाया हुआ स्टीकर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला, जो विंडो पे लगवाऊंगा, ये सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आज अपनी थार में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट होने जा रहा है, एक मैट लग जाएगी, सर्विस हो जाएगी, और एक स्टिकर लग जाएगा जो कि रियर विंडो पे लगता है, इस वाली विंडो पे लगेगा। अब यहाँ से निकलते हैं, पहुंचते हैं शोरूम। मैं जा रहा हूँ, अगर आप कानपुर के रहने वाले हैं तो आपको पता होगा माल रोड पे है तिरुपति हुंडई। तो जो लोग कहते हैं महिंद्रा माइलेज नहीं देती है, तो उनके लिए बता दूं कि इस समय जो माइलेज दे रही है वो है 17.2 का, जो कि अपने आप में 1-2 लीटर से ज्यादा के इंजन के लिए बहुत ही अच्छा माइलेज है। ओवरऑल अभी तक गाड़ी की परफॉर्मेंस की बात करूं तो बहुत अच्छी है। परसों मैं नोएडा से कानपुर आया, कानपुर से आगरा गया था, कंटिन्यू राइड की थी फुल डे, 700-800 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई थी, मुझे किसी तरह की कोई थकावट या टाइटनेस नहीं महसूस हुई। यहां से चलते हैं सर्विस कराने के लिए, क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग खुल चुकी है। और हाँ, ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है, अभी गाड़ी बनती जैसे ही मैंने क्लिच पे पैर दिया गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। सो ये इसका बहुत ही अच्छा फीचर है, जो कि ट्रैफिक वगैरह में अगर आप रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा यूज करने को मिलेगा, बहुत आपके काम आएगा और साथ ही साथ आपका माइलेज भी इम्प्रूव करेगा। तो अभी मैं आपको दिखा दूं गाड़ी की कंडीशन, बहुत ज्यादा गंदी हो रखी है। सामने से अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कितनी ज्यादा गंदी, और बाहर के साथ साथ अंदर से भी बहुत ज्यादा गंदी। अच्छे से क्लीन हो जाएगी, सर्विस हो जाएगी, फर्स्ट सर्विस है, बहुत ज्यादा काम तो नहीं करेंगे, नॉर्मली वो चेकअप वगैरह ही करके क्लीन करके गाड़ी दे देते हैं। फिलहाल इस गाड़ी का अगर मैं इफिशिएंसी और परफॉर्मेंस की बात करूं तो मुझे बहुत ज्यादा सही लग रही है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो डिसीजन था महिंद्रा थार को लेने का वो बहुत अच्छा था, और 4x2 ना लेके मैंने 4x4 ली, ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि राइट डिसीजन था, कि 4x2 पड़ती मुझे 14-15 लाख की अगर मैं उसका सेकेंड मॉडल लेता, और ये मुझे पड़ी है 20 लाख की। तो मेरा जो 4x4 में जाने का डिसीजन था वो मच बेटर था इन कंपैरिजन टू अगर मैं 4x2 में जाता। तो अभी हम लोग आ गए हैं सर्विस सेंटर, और काफी पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे तो, लेकिन अंदर ठीक लग रहा है देखने में। ये है, यहाँ से जाना अपने को अंदर। 3762 चली हुई है। कोई कंप्लेन नहीं, कंप्लेन कुछ भी फर्स्ट नहीं सर्विस है, बस फर्स्ट सर्विस है। हाँ, फर्स्ट सर्विस में अभी एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर चेक होगा, सारे नट बोल्ट चेक होंगे, और भी भैया ने बताया कि चेंज कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ चेक होगा, चेंज होंगे सेकंड सर्विस में, जो कि हमें करानी है 10,000 पे। ओके, एक दिन में गाड़ी हमारी अभी 700-800 किलोमीटर चली, इसकी वजह से गाड़ी की कंडीशन देखो कैसी हो गई है, पूरी डर्टी हो रखी है। इसके तो ग्लास बहुत ज्यादा गंदे थे, उस पे कीड़े इतने लगे थे, ये देखो कितना मोटा कीड़ा, ये इसमें आके टकराए हैं सब। तो ये हमारा अभी एयर फिल्टर क्लीन हो गया है, क्लीन क्या हो गया, काफी क्लीन था, बट थोड़ी बहुत एयर मार दी यहाँ से भैया ने, असली गाड़ी चमकेगी जब वॉशिंग होगी। अच्छा भैया, जब वॉशिंग करने के बाद पॉलिश करोगे तो बॉडी में नहीं होती ना? हाँ, वो करना भी नहीं, क्योंकि क्या था डिलीवरी के टाइम पे जब इन्होंने करके दी थी ना, तो इतना ऑयल लगा दिया था कि अगले दिन से इतनी ज्यादा इस पे ज्यादा चमकाने के चक्कर में इतनी डस्ट इन्होंने इकट्ठी कर दी थी इस पे। ये सब देखो बहुत गंदी हो रखी है गाड़ी। अभी चेकिंग वगैरह तो हो गई, सारे नट बोल्ट और वो सब चेक हो गए, अब वॉशिंग होने जा रही है, वॉश होती है फिर देखते हैं कैसी चमकती है, फिर मैट वैट डलवाते हैं इसमें। ये अंदर से पूरी कंडीशन खराब हो रखी, मैट नहीं पड़ी थी, एक्चुअल मैट तुरंत डलवा लेनी चाहिए थी बट मैंने डलवाई नहीं थी। देखो क्या गंदी हो रखी भाई साहब, खतरनाक। तो मैंने मंगवाई थी इसमें 7D मैट। 7D मैट में क्या होगा कि साइड की जो डायमेंशन होती है ना पैर वैर के ऊपर की भी, मतलब एक तो लगती है नॉर्मल जो कि होती है
इन सब एरियाज में ऐसे किनारे। दूसरी होती है 7D, वो क्या करेगी, ये जो ऊपर के एरियाज है ना इन सबको भी 7 डायमेंशन में होती है बेसिकली, उसको 7D कहते हैं 7 डायमेंशन की वजह से, तो वो सारी डायमेंशन को कवर करता है। तो हमने वो करवाई है। वॉशिंग होने पर काफी गंदगी निकल रही है। वॉश होने के बाद जब ये रोड पे चलती है ना, तो रोड प्रेजेंस जो है ना वो मुझे इसका सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ये है अपनी 7D मैट, ये लग रही है इस तरह। इसमें क्या होता है कि ये पूरा यहाँ तक ये जो प्रॉपर फिटिंग है ना ये आ जाती है, यहाँ पर ये पूरा लगा हुआ है। सिमिलरली अदर साइड भी पूरा लग जाएगा, तब दिखाता हूँ आपको। अपनी थार की सर्विस हो चुकी है और सर्विस होने के बाद बहुत बढ़िया शाइन कर रही है। अब मैं दिखाता हूँ आपको दो चीज़ें, एक तो ये मैट जो कि इसमें पड़ चुकी है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर ये प्रॉपर फिटिंग ऊपर तक हो रखी है। इसको ये 7D मैट में क्या होता है कि ये सारा एरिया जो है कवर हो जाता है, जो इस तरह के पार्ट्स होते हैं यहाँ पर भी ये कवर हो जाता है। और अगर मैं आपको अंदर दिखाऊं, तो अंदर भी यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा ये इधर तक फिक्स किया गया है, यहाँ पर ये पूरा लगा हुआ है। इसको आगे करके दिखाता हूँ, तो ये जो हाइटेड एरिया होता है, इसकी जो हाइट होती है यहाँ तक भी ये पूरा कवर हो जाता है, ये पूरा यहाँ तक। तो पैर वगैरह यहाँ पे रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो एरिया है ये गंदा नहीं होता है। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं 7D मैट के। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा बिल कितना आया। तो भाई क्योंकि ये महिंद्रा की फर्स्ट फ्री सर्विस थी, इसमें कोई भी मेजर काम नहीं होता, इसमें कोई भी पार्ट या फिल्टर वगैरह चेंज नहीं होता, ऑयल चेंज नहीं होता, तो इसकी वजह से जो इसमें सर्विस होती है बेसिकली पार्ट्स को चेक करते हैं, नट बोल्ट टाइटनिंग करते हैं, फिल्टर वगैरह को क्लीन कर देते हैं। तो इसकी वजह से जो इसका अमाउंट आया है वो है 0, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस थी, क्योंकि कोई पार्ट चेंज नहीं हुआ है तो इसकी वजह से कोई अमाउंट नहीं लगा है। यहाँ पे आप देखेंगे 0 सर्विस अमाउंट लिखा हुआ है। सो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस हो गई, मैट पड़ गई। अब एक दो और छोटे मोटे मॉडिफिकेशन इस गाड़ी में मुझे करवाने, मैं बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करवाऊंगा, बट हाँ छोटे मोटे मॉडिफिकेशन अभी मुझे करवाने हैं, LED लाइट करवानी और भी कुछ चीजें करवानी है। सो वो उन सारे मॉडिफिकेशन के भी वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, जो और अपकमिंग वीडियोज हैं, वो है हाईवे वाले, जो हाईवे पे यमुना एक्सप्रेस वे, अभी आपने देखा होगा लास्ट वीडियो जो मेरे चैनल पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है इसका माइलेज टेस्ट जो GT रोड पे हमने किया था। अब मैं एक्चुअल हाईवे पे माइलेज टेस्ट करूंगा, क्योंकि जो उस वीडियो में मुझे माइलेज मिला था वो मिला था अप्रॉक्स 15 के करीब मिला था, बट एक्चुअल में जो मैं अभी नोएडा से आया वो आ रहा है अप्रॉक्स 17 का। सो इसलिए मैंने प्लान किया है कि मैं अभी जो यमुना एक्सप्रेस वे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से नोएडा जाऊंगा, वहां पे एक बार माइलेज टेस्ट करूंगा, जिससे कि एक्चुअल माइलेज जो कि मुझे मिलेगा, मुझे अप्रॉक्सीमेट जो मुझे उम्मीद है वो मिलना चाहिए 17.5 के अप्रॉक्स, बट देखते हैं क्या होता है। न्यू गाड़ी है तो माइलेज अच्छा देना चाहिए, उसका नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, चैनल को फॉलो कर ले, शेयर सब्सक्राइब कर दे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।